जिस वक्त 1857 के बाद बहादुर शाह जफर और जीनत महल और कुछ उनके रिश्तेदार थे, कुछ नौकर चाकर थे, जमा वक्त गए जो जीनत महल के लड़के थे, एक अब्दुल लतीफ शाह गए उनके साथ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि बहादुर शाह जफर को कि आप मुझसे माफी मांग लें तो मैं आप लोगों को आजाद कर दूंगा। तो वो कहे कि मैं माफी जिंदगी में नहीं मांगूंगा, आप आजाद करें या ना करें मैं घुटने नहीं टेकने वाला। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये टीपू सुल्तान के खानदान को, लड़े तो वो बहादुरी से इसकी इज्जत है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों इतनी जमीन उनको दिया लिख कर। वाजिद अली शाह तो गद्दार थे, वो तो दुनिया जानते, हाजत महल लड़ी, उनकी मैं इज्जत करती हूँ, उनको आधा कलकत्ता दिया, इसको हैदराबाद को दिया, मीर जाफर को दिया। मैं तो बोल रही हूँ पाकिस्तान स्ट्रीट में कलकत्ते में जो मीर जाफर का कोई वारिस नहीं है उसी का हिस्सा मुझको लिख कर दे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्यों नहीं भाई, मुझको तो खरीद के देना नहीं है, नाम खाली ट्रांसफर करना है। तो अगर माफी मांग, बहादुर शाह जफर ने कहा जब हम लूट गए, बर्बाद हो गए, मेरा 13 बच्चे को फांसी दी गई, 2 बच्चा और 1 भांजा को उनका सर ला के मुझको नाश्ते में दिया गया, मैं सब बर्दाश्त। अल्लाह ने किस मिट्टी से उनको बनाया था उस वक्त भी वो अल्लाह का शुक्र अदा किए, लेकिन उफ तक नहीं किए। मैं गई दिल्ली, खूनी कुआं भी देखी और खूनी दरवाजा भी देखी, और सब बच्चों को, मिर्जा मुगल को और 2 को फांसी देकर खूनी दरवाजा पे नंगा लटका दिया गया। बाद में सबको यमुना नदी में बहा दिया गया, उनकी खबर आज तक कहीं नहीं है। तो आज उनका खानदान दर बदर की ठोकर खा रहे। मैं उनकी बहू हूँ, तीसरे पीढ़ी की सुल्ताना बेगम। मेरी शादी 15 अगस्त 1965 में हुई और बेदार साहब इस दुनिया से 1980 में रुखसत हो गए, लेकिन आज तक मेरे बच्चे लोग दर बदर की ठोकर खा रहे। क्यों खा रहे, क्यों का जवाब मुझे कोई दे दे। तो बहादुर शाह जफर क्यों माफी मांगेंगे, अगर घुटने टेकना होता तो आज इमाम हुसैन का घर, पूरा घर का घर बर्बाद नहीं वो करते, यजीद के आगे झुक जाते तो हम लोग अहले बैत के मानने वाले हैं, गलत के आगे हम लोग मर जाएंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। क्यों नहीं दिया, आज तक के हमारे पास छत नहीं है, मैं एक मजदूर की बस्ती में रहती हूँ। आप आकर देखें, कोई भी इंसान है आकर देख ले, अगर उस जगह रहने लायक हो तो हर वफादार का यही अंजाम है। जब फिरौन सर उठाता है तो मूसा पैदा हो जाता है, और जब यजीद सर उठाया था तो मुख्तार पैदा हो गया, फिर रावण जब सर उठाया तो खुद उसके भाई ने, सीता ने क्या किया था, सीता जी ने एक तिनके का सहारा लिया लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। इमाम हुसैन की बहन बीबी जैनब घर का घर लूट गया, अपने औलाद को कुर्बान कर दी लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। हम भी उन्हीं के मानने वाले हैं, लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, न सर झुकाएंगे न हिम्मत आरेंगे, और मरते दम तक हम लड़ेंगे, देखते हैं हमारे बच्चों का नसीब पलटता है या नहीं।